हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो आज हम इस फ्लूट को डेकोरेट करेंगे। और इस बांसुरी को डेकोरेट करने के लिए हमने जो सामान लिया है, सबसे पहले हम वह देख लेते हैं। तो मैंने लिया एक गोल्डन कलर का पेपर और इसकी लगभग 3 इंच चौड़ी मैंने स्ट्रिप्स जो है वो कट कर ली है। तो हमने और क्या क्या सामान लिया है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो इसको डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए एक टेप, मैंने रेड कलर की स्पार्कल टेप ली है, और साथ में हमने लिया है एक सेलो टेप चाहिए हमें, और थोड़ी सी लिए मैंने राखी। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन अभी गया है और आप सभी के घर में राखियाँ बची जाती हैं, तो उनको हम यूज़ कर लेंगे। ये मैंने 2 ईयरिंग्स लिए हैं ब्लू कलर के। आप इसकी जगह चाहे तो घुंघरू ले सकते हैं, कोई लटकन आपके पास पड़ा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ये मैंने एक लेस ली है। अब मैं लेस या टेप में से कोई एक चीज़ यूज़ करूँगी, तो देखते हैं हम क्या यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास इनकेस ये बांसुरी नहीं है लकड़ी वाली, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो पेपर होता है या न्यूज़पेपर या किसी भी चीज़ को आप पतली से किसी स्ट्रिक में रख करके रोल कर लीजिए और इसको टेप से सिक्योर कर लीजिए और बस इसको डेकोरेट कर लीजिए। सभी लोग कृष्णा जी का गेटअप तैयार करते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। तो फिलहाल हम इस बांसुरी को डेकोरेट कर रहे हैं, और इसके लिए जो हमने स्ट्रिप काटी थी 3 इंच चौड़ी, उसको हम लपेटना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग पे जो फर्स्ट सिरा होता है वहाँ पे हमने टेप लगा ली है, और दूसरे हाथ से हम इसको रोल करते जा रहे हैं। बिल्कुल नीटली रोल करना है, धीरे धीरे करके रोल करेंगे, और ये देखिए पूरा रोल हो गया है। और लास्ट के सिरे पर भी हम टेप से सिक्योर कर देंगे। अब जो पेपर बच गया है इसको हम कट कर देंगे कैंची से निकाल करके। ऊपर में हम लगा देंगे एक रेड कलर की टेप, हम लगा देंगे जिससे कि हमारा जो टेप जो पेपर है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो दोनों तरफ मैंने टेप लगा दिए। अब बांसुरी में जो होल होते हैं एयर निकलने के लिए, जब वो बजती है तब, उसको होल करने के लिए मैंने मार्कर से, आप देख सकते हैं मैंने मार्क कर दिया है, ताकि मैं इसको बाद में होल कर सकूं। तो अब मैं या तो ये मैं लेस नहीं लगा रही हूँ, मैं ये टेप लगा रही हूँ। और टेप को लगाने के लिए बस आप एक सिरे पर हल्का सा लपेटते हुए स्पायरली आपको लगाना है टेप, तिरछे करते हुए लगाना है और नीचे तक आ जाना है इस तरह से। देखिए टेप हमारी लगा के रेडी हो गई, और देखिए लगभग हमारी बांसुरी रेडी हो गई है। और अब हम इसे राखी से डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए मैं देख रही हूँ मुझे कौन सी राखी अच्छी लग रही है। तो मुझे सबसे अच्छी ये मोती वाली राखी लग रही है इस पर लपेटने के लिए। तो सबसे पहले इसको हमें राखी जो है उसको डबल कर लेना है, इसको एक लटकन की शेप हमें दे देनी है। तो उसको हमने गांठ लगा ली है, और ये देखिए नीचे एक रिंग जैसी शेप आपकी जो है वो आ गई है। अब हम इसको इसके ऊपर बांध देंगे। बांसुरी के सबसे नीचे वाले सिरे पे आपको राखी को बांधना है। ये देखिए मैंने बांध दी है राखी, और अब इसके ऊपर भी हम टेप लगा देंगे। इससे क्या होगा कि राखी जो धागा है वो इस तरफ भी नहीं जाएगा और धागा दिखेगा भी नहीं। तो मैंने बांध दिए, और अब हम जो मैंने इयररिंग्स लिए थे उसको मैं इसमें फंसा रही हूँ लटकन के तौर पे। अगर आपके पास लटकन है तो वो लगा दीजिए, घुंघरू है तो वो लगा दीजिए, आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास घर में आइटम अवेलेबल है आप वो लगा सकते हैं। तो अब ये जो होल है मैंने मार्क किए थे, उनको हमें क्लियर करना है, पास करना है थ्रू एंड थ्रू। तो इसके लिए माचिस की तीली को आप जलाइए, और उसको थोड़ा सा जलने दीजिए, अच्छे से थोड़ी सी वो जल जाए, उसके बाद आप फूंक दीजिए, और उसके बाद आप इसको होल कर लीजिए। जलाते हुए कभी भी मत कीजिए, उससे आपके होल ज़्यादा बड़े हो सकते हैं या फिर आपकी रैपिंग जल भी सकती है। तो बस बांसुरी बनके रेडी हो गई है, और हमने इसमें मोरपंख भी सजा दिया है, क्योंकि मोरपंख कान्हा जी को बहुत पसंद है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी अपने घर में ये बांसुरी बना के ज़रूर देखेगा। जन्माष्टमी पर अक्सर लोग अपने घरों में छोटे बच्चों को कृष्णा जी बनाते हैं, राधा जी बनाते हैं, तो इनको बांसुरी की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार बांसुरी नहीं होने पर आप इस तरह से बांसुरी बना सकते हैं पेपर फ्लूट, या फिर आपके घर में बांसुरी है तो आप उसको इस तरह से डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।